हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही हेल्दी होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही इफेक्टिव चल रही हो। चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ। आज है मई का जो फर्स्ट वीक है उसका फर्स्ट ट्यूसडे। मई के अंदर जो आपका फर्स्ट वीक है उसके ट्यूसडे को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे। ये वर्ल्ड अस्थमा डे एक ग्लोबल इवेंट प्रोग्राम है जिसमें हमें अस्थमा के बारे में अवेयरनेस करनी होती है, बतानी होती है कि क्या अस्थमा है, कैसे उसको प्रिक्योर करें, कैसे उसको ट्रीट करें। तो ये हर ईयर आपका मई के फर्स्ट जो आपका ट्यूसडे आता है उसको सेलिब्रेट होता है और आज है थर्ड डे और आज है आपका वर्ल्ड अस्थमा डे। तो इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे जो आपका 2022 ईयर जो आपका मई है, इस बार इसकी जो थीम है ये थीम है क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थीम क्या है? क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर, कि जो आप अस्थमा की केयर कर रहे हैं उसके बीच में आने वाले गैप को आप क्या कर दें, क्लोज कर। और ये जो थीम है ये आपको अवेयर कर रही है कि जल्दी से जल्दी आपका जो अस्थमा है वो ट्रीट हो और जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी बॉडी में अस्थमा डेवलप ना हो। वैसे तो अस्थमा आप सभी को पता है कि एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, या हम इसके कोज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक वर्ड एलर्जिक कंडीशन आती है। बट जितना ज्यादा अवेयरनेस इसके बारे में होगा उतने ही लोग कम सफर करेंगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट कि आज है हमारा वर्ल्ड अस्थमा डे। याद रखिएगा एवरी मे फर्स्ट ट्यूसडे, एवरी मे फर्स्ट ट्यूसडे वर्ल्ड अस्थमा डे। आज डेट है 3 मे, इसका मतलब आज की जो डेट है 3 मे 2022 और ये है वर्ल्ड अस्थमा डे। थीम क्या बताई मैंने? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमेटिक पेशेंट केयर। जो आपका अस्थमा का पेशेंट है या जो डिजीज कंडीशन है उसमें आने वाले गैप को क्लोज करना, ये आज की क्या है थीम, वर्ल्ड अस्थमा डे। थैंक यू।